हेलो गाइस, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अपना चारों इंडिकेटर को एक साथ ब्लेंड करने का। तो गाइस, उसी की प्रोसेस है, ये चल रही है अभी। तो गाइस, अभी जो वीडियो कर रहे हैं कि जो पीछे वाले वायर होते हैं माइनस प्लस, उनको एक साथ मतलब एक वायर से जोड़ देंगे, जिसे चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लेंड करने लगेंगे। तो अभी वो सारे जो जितने भी ब्लिंक करने के लिए माइनस प्लस के वायर्स हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं अभी, और आप देखते रहिए। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो लाल वाला बटन उसको प्लीज़ दबा लीजिए भाई। तो अभी ये जो वायर जो है, उस वायर को अपन कनेक्ट करेंगे माइनस प्लस में, और एक सोच रहे हैं बटन लगा देंगे, जिससे हम या तो उसे ब्लिंक करने के लिए कर सकते हैं ऐड, नहीं तो उसको बंद करके फिर अपना राइट लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए बस पूरी प्रोसेस। करवाएंगे आपसे ही। तो गाइस, अभी अपन लोग ये जो है वायर कट करेंगे सारे, और दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। अभी का बहुत कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सब खोलेंगे लेकिन कैसे। और अभी ये भैया दोनों वायर को ऐड सब प्लग करने के दोनों एक साथ मतलब जोड़ देंगे तो दोनों इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। तो वही सब बस उसका भी थोड़ा फिक्स कर देते हैं पीछे, और वायर के लिए एक बटन लगेगी। तो भैया ने एक बटन लगा दिया है, उस बटन को अच्छे से लगा देंगे नीचे जहाँ पे मुझे लग रहा है। अरे एक दाग से चलाया करना गाड़ी, आगे पीछे देख के चलाया करो। तो आगे देखा था, पीछे कैसे देख लेता। मेरी चार आगे दो पीछे दो नहीं है, तो चार बाजू में लगी दो। तो 19 आओ आओ, मॉडिफिकेशन डाल देता हूँ ना डायरेक्ट। निश्ता जाएगा पूरा निश्ता। अबे पागल हो, पागल घुमा रहे रे दानिश। अबे पागल को मत घुमा रहे, ये पागल हो पागल घुमा रहे। ये दो दोनों वायरों को नीचे से हम लोग निकाल के, और इसमें ये देखिए आप, जैसे कि दोनों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे। तो गाइस, चलने लगी हैं दोनों इंडिकेटर पीछे के आगे के, मतलब बढ़िया है काम। अब ये एक बटन लेने गए हैं, बटन से क्या होगा कि हम कभी भी उसका स्विच बंद करके फिर जैसे लेफ्ट राइट लगा सकते हैं उसको, एंड वो बटन चालू कर देंगे तो फिर वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक दोनों लाइट चालू हो जाएंगी। तो भाई रोशनी छोड़ उसको फिर अच्छी जगह अपने बाइक के नीचे साइड में फिट कर देंगे। तो आपको तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस बटन को यहाँ पे फिट कर दिया, जो कि अपने टायर के जस्ट ऊपर है, जो यहाँ पे पैर रखने का होता है वहाँ पे मैंने फिट कर दिया उसे। तो वायर वहाँ से अंदर से निकाल के, तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं जाती, हम सीधे नीचे हाथ डाल के उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो गाइस देखिए, अब चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज, तो भाई एक आपको मैंने बटन दिखाया था यहाँ पे, जो कि ये बटन है, ऐसे हम अगर आप करते हैं तो एक नॉर्मल इंडिकेटर जाएंगे, और ये ऑन करते हैं इसको तो चारों एक साथ ब्लिंक करने लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बटन बंद करके दिखाता हूँ। गाइस हम बटन कर लें, हटो 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 गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं।